नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं सुखवीर सिंह अपने सभी साथियों का इस कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आप इस बात को जानते हैं, अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उस सिलेबस में ये लाइन मेंशन होगी कि महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनके लेखक। तो इसी सेशन, आज के इस सेशन में जो बात पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो महत्वपूर्ण पुस्तक और किताबों को पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन आपका हिट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अगर आप सिलेक्ट होंगे और मेहनत करेंगे ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमा बाकी है। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण किताबें और उनके राइटर की बात करते हैं। और ये सेशन आप क्या करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे और इससे क्या होगा, उनको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहली पुस्तक की। पहली पुस्तक क्या है? पहली पुस्तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़े उद्योगपति एंटरप्रेन्योर हैं, इनको आप बताएंगे कमेंट्स में। चलिए पहले बात करते हैं कि उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, एक पुस्तक का नाम दिया जाएगा और उसके राइटर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर किसने लिखा है, RN भास्कर ने। जो गौतम अडानी साहब हैं, इनकी जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है, RN भास्कर ने लिखी है। गौतम अडानी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये विश्व के दूसरे नंबर की क्या है, उद्योगपति, पैसे वाले हैं। बात क्लियर है ना? तो आप बता सकते हो जब भी अडानी साहब का नाम आए कि इनकी जीवनी किसने लिखी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, RN भास्कर ने लिखी है। हो सकता है आपका यही क्वेश्चन फंस जाए। उसके बाद और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मंडाविया, मनसुख मंडाविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट, बात समझना, अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का विमोचन किया, इसे किसने लिखा। तो इसे लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। आप इधर देख पा रहे होंगे, ये जो मोहतरमा है वो प्रियम मोदी, यानी सॉरी, ये प्रियम गांधी मोदी है। कहाँ से है ये, आपके महाराष्ट्र से है। और कौन है ये, जो राजनीतिक विश्लेषण करती हैं और इसके साथ साथ एक ये ऑथर है, बात समझे ना। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का विमोचन किया था किसने, मनसुख मंडाविया ने, और इसको लिखा किसने है, तो प्रियम गांधी मोदी ने। और इस जो बुक है, इस बुक का आउटलुक आप यहाँ पर देख सकते हो। बात क्लियर है भैया? चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पुस्तक का क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्या किया है, एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो प्रधानमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया है उसको आप यहां पर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया। आप यहां पर देखेंगे भारतीय संविधान की अनकही कहानी का विमोचन किया है। और यह किसके जीवन पर आधारित है, तो राम बहादुर राय की जीवनी पर यह आधारित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, वह किसके जीवन पर आधारित है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, राम बहादुर राय की जीवन पर आधारित है, है ना। उसके बाद बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पुस्तक की, द इंडिया स्टोरी। इधर आप देख पाओगे ये जो आउटलुक है पुस्तक का, द इंडिया स्टोरी, और इसको किसने लिखा है, बिमल जालन ने लिखा है। बिमल जालन साहब के बारे में अगर बात की जाए तो RBI के क्या है, ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, बिमल जालन। अगर आपने 100 का 500 का जो पुराने नोट जो बंद हो गए, अब तो शायद इनका अस्तित्व खत्म है, है ना, अगर कुछ लोगों ने मेमोरी के लिए बचा के रखे होंगे तो आप उनमें देख सकते हैं कि बिमल जालन साहब क्या रहे हैं, RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। बात क्लियर है भैया? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इधर आप ये त्रिमूर्तियां हैं, त्रिमूर्तियों को देखेंगे। इधर आप एक नायक हैं, राष्ट्रीय मतलब अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था, तो एक नायक है यहाँ पर देखेंगे, उन नायक का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। तो इधर क्या देखें, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, ये बीच में जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब है, इन्होंने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का क्या किया है, इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। तो जब भी आपसे यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आप यहाँ पर देखोगे कि भैया केंद्रीय शिक्षा
और कौशल विकास मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, इन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो बिरसा मुंडा जनजातीय पुस्तक का विमोचन किया। जब आपसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा जनजातीय पुस्तक किसने लिखी, तो आलोक चक्रवाल ने लिखी। इधर आप देख पाएंगे बिरसा मुंडा की अगर बात की जाए तो 1894 का हुआ डेट है, 1894 में। बात समझना, ये क्या थे, आदिवासियों के ये नायक थे। आपको थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूं, बिरसा मुंडा से कहानी जोड़ के बताता हूं कि 1894 में होता क्या, 1894 होता क्या है कि जब अंग्रेज अपनी अतिशयवादी नीतियों के कारण जब आदिवासी क्षेत्रों में, इलाकों में, जनजाति इलाकों में जब वो क्या इंटरफेयर करने लगे, संक्रमण करने लगे, अतिक्रमण करने लगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, एक आदिवासियों के नेता उभर के आए। उस समय जो झारखंड था वो बिहार में पड़ता था और ये आदिवासियों के नेता थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस बिरसा जो नायक थे, बिरसा मुंडा साहब थे, और इन्होंने ही यानी मुंडा विद्रोह को लीड किया था। हालांकि 1920 के समथिंग इन्हें क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने मार दिया। इनके पास विचारों के पास क्या थे, इनके पास क्या थे, तीर तलवार थे, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, और आधुनिक हथियारों के सामने कहां कोई व्यक्ति तीर तलवार कहां अंग्रेजों यानी आधुनिक हथियारों का सामना कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो उसमें ये क्या वीरगति को प्राप्त हुए। और ये क्या है, बिरसा मुंडा साहब आदिवासियों के नायक हैं। बात समझे ना, तो वो बिरसा मुंडा नायक हैं और इनसे संबंधित पुस्तक का जो विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने किया है। और इस पुस्तक को किसने लिखा भैया, आलोक चक्रवाल ने लिखा है। इतना क्लियर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर और कुछ पुस्तकें हैं। इधर आप देखोगे द रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, मतलब भारत के विकास में जो मजदूरों का क्या योगदान है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, भूपेंद्र यादव ने किया। ये भी कौन है, इनको आप बताएंगे कमेंट्स में कि ये कौन है भूपेंद्र यादव, कैबिनेट में इनका क्या संबंध है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, जो हमारा संविधान है वो किसने लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर साहब की। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, अंबेडकर साहब के बारे में बात की जा रही है कि भाई कैसे एक व्यक्ति ने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनसे संबंधित जो पुस्तक लिखी है ना, वो राजेश तलवार ने लिखी है। यहाँ पर मात्रा का थोड़ा वो है, क्लियर ना भैया, हाँ राजेश तलवार ने लिखी है। और इसको क्या, इसको आप 5-star रेटिंग देंगे क्योंकि एमपी पटवारी का क्वेश्चन है। और अंबेडकर कहाँ से जुड़े हुए हैं, अंबेडकर की जन्मस्थली आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के महू मालवा के पठार पे। तो महू कहाँ है मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं ना अंबेडकर का जुड़ाव कहां से है, मध्य प्रदेश से। और ये पुस्तक किससे जुड़ी है, दादा बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वह बालक जिसने क्या किया था, संविधान लिखा था। तो उनके बारे में कौन बता रहे हैं, राजेश तलवार साहब ने बुक लिखी है। इधर आप देखेंगे, बात क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली पुस्तक की तरफ। यहां पर हमारे बीच में कौन है, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और इन्होंने इंडो पाक वॉर 1971, है ना, रिमिनेंस ऑफ एयर वॉरियर पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। अब इस पुस्तक को दो लोगों ने लिखा है, एक तरफ आप इधर लेफ्ट, है ना, और राइट दोनों, सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखेंगे तो एक तरफ कौन है, मार्शल जगजीत सिंह है, और दूसरी तरफ कौन है, ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन है। और ये डिफेंस से जुड़ा हुआ है, नेशनल प्रकार का ये क्वेश्चन है, आपके एमपी पटवारी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ ही अन्य एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है कि भाई 1971 से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित पुस्तक का विमोचन यहाँ कर रहे हैं हमारे कौन, रक्षा मंत्री कर रहे हैं। और यही वो 1971 का डेट है जब पाकिस्तान से बांग्लादेश क्या हुआ था भैया, आजाद हुआ था, बात समझे। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, भारत की थी। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, रक्षा मंत्री साहब के साथ कौन है, एयर मार्शल जगजीत सिंह है, और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग एक और नई पुस्तक की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, और इन्होंने भी एक पुस्तक का विमोचन किया है। एक बात आप याद रखेंगे, जितनी भी पुस्तकों का विमोचन किया जाता है, और आप समझ रहे हैं केंद्र में सरकार किसकी है, राज्य में सरकार मध्य प्रदेश में कितनी किसकी है, और अगर ये लोग पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं तो आप इस बात को गांठ बांध लें कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने इसी लॉजिक के साथ इस सेशन में ऐसे
लोगों को यहाँ पर शामिल किया है कि जो पुस्तक को अटेंड यानी विमोचन कर रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान साहब हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे आपके यहाँ पर ये हरियाणा के सीएम साहब हो मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने भी एक पुस्तक का विमोचन किया है और उस पुस्तक का क्या नाम है, अष्टांग योगा पुस्तक है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है, डॉक्टर सोनू फोगट ने लिखा है। डॉक्टर सोनू फोगट ने क्या लिखा है, अष्टांग योगा लिखा है। और इस बात को गांठ बांध ले, है ना, योगा से संबंधित है। चलो भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, है ना, ब्लूमबर्ग वारी इंडिया द्वारा प्रकाशित, इंडिया दैट इज भारत, है ना, कॉलोनी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, बात समझ रहे हैं ना, इंडिया दैट इज भारत, है ना। यह शब्द आप कहां सुनते हैं, संविधान के अनुच्छेद एक में सबसे पहले यही सुनते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो यह किस पुस्तक किसने लिखी है, जय साई दीपक ने लिखी है। किसने लिखी है यह पूछा जा सकता है, हमारे पॉलिटिक्स से संबंधित है। और इसमें जो सभ्यता होगी, चाहे संविधान होगा, चाहे कॉलोनी हो गई, है ना, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि कैसे क्या विकास हुआ और कैसे हम संविधान तक पहुंचे हैं। तो यह जय साई दीपक ने लिखी है। उसके बाद हम थोड़ा और बढ़ते हैं, इधर आते हैं नेक्स्ट पुस्तक पर, और इसमें आप देखेंगे एक प्लेयर है, और यहाँ पर कौन, एक एथलीट कौन, नीरज चोपड़ा साहब है। और इनकी जीवनी पर भी एक पुस्तक लिखी है, गोल्डन बॉय। आप बताएंगे कि इन्होंने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये किस खेल से संबंधित थे, ये आप कमेंट्स में बताएंगे, बात समझ रहे हैं ना। इनका खेल कौन सा था, जो भाला फेंक वाला, उसे किस नाम से जानते हैं, और इन्होंने किस गेम में स्वर्ण पदक जीता था, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए, हम टॉपिक पे आते हैं कि नीरज चोपड़ा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, और इसे नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। किसने लिखा भैया, नवदीप सिंह गिल ने लिखा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखोगे पश्चिम बंगाल की सीएम है, है ना, और क्या लिखा है, ममता बिहान 2021 जयंत घोष। अब यहां पर देखो बात एक ही है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, जयंत घोषाल ने लिखा है। आप यहां पर देखोगे जयंत घोषाल ने क्या लिखा है, ममता बिहान 2021। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या दिया, जब आपको याद हो पश्चिम बंगाल का जब रिजल्ट आया था, तो वहां पर ये बात की जा रही थी कि इस बार दीदी क्या हो जाएंगी, सत्ता से बाहर हो जाएंगी, और सत्ता में वहां कौन आने वाली है, बीजेपी आने वाली है। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ, वहां पर पुनः दीदी आ गई। तो वो कारण बताए हैं इस पुस्तक में कि किन कारणों से दीदी वापस आई हैं और वो कौन से कारण थे जिन कारणों से भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना सकी। बात क्लियर है, तो आप बता सकते हो जब भी आपसे पूछा जाए कि ममता बिहान 2021 किसने लिखा, जयंत घोषाल ने लिखा। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली 1336 प्रजातियों के संबंध में, है ना, फील्ड गाइड वर्ल्ड ऑफ इंडिया को किसने प्रकाशित किया, तो आप बताओगे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग में क्या किया, विभाग ने, यहाँ मैं की जगह ने है, सॉरी, है ना, मैं की जगह क्या है, ने है। किसने प्रकाशित किया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने प्रकाशित किया है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इधर आप देखेंगे, है ना, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशन सिक्योरिटी क्राइसिस, बात समझिए किसने लिखी है, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी साहब हैं, इनसे संबंधित जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा, जो संकट है कि मोदी जी के लिए क्या है भाई, देश के प्रधानमंत्री है भाई, जिस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो, और उस देश का लीडर की सुरक्षा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कुछ हो रहा है तो देश के लिए बहुत बड़ा या नुकसान होगा। तो इनसे संबंधित श्री राम चौलिया साहब ने इस पुस्तक को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में इसको लिखा है, बात क्लियर है ना भैया। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर आप देखेंगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखी है, अभय के ने लिखी है। इस पुस्तक को आप अंडरलाइन करेंगे, इसको आप 3 स्टार या 4 स्टार दे सकते हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है, अभय के ने लिखा है। इसमें ये तोता दिखाई दे रहा होगा, इस बुक की कवर पर क्या है, बाहरी पृष्ठ पर एक तोता है, और इस तोता क्या देख रहा है, मिरर में देख रहा है कलर से कि हिंदू है कि मुसलमान है। इस पुस्तक का जब आप सार पढ़ेंगे तो समाज से जुड़ा हुआ है, जो आज आप देख रहे हैं जो हेट स्पीच है, हर चीज को बांट दिया, चाहे रंग हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे धर्म हो, हर तरह से जो व्यक्ति को बांटा गया, इसमें
बुक का सार यही है कि ये तोता यह जानने का प्रयास करता है कि हिंदू के घर से उड़ के आया कि मुसलमान के से आया है। कलर के आधार पर भी इसमें यही बात की गई है, बात समझे। थोड़ा सा भैया और आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन खात्मा किससे संबंधित है? सभी लोग इंडिकेट कर गए होंगे कि जो टेरर वाली घटनाएं हैं, जो आतंकी घटनाएं हैं, इन घटनाओं से संबंधित, इन पर रोक लगाने के लिए कैसे देश में आतंकवाद को खत्म किया जाए, वो कौन से कारण हैं जिनसे आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं, कहां मतलब कैसी, वो कौन से कारण हैं जो इनको आगे बढ़ाते हैं, तो उन पे चर्चा की गई है और इनको कैसे खत्म किया जाए, तो इसी से संबंधित ये बुक है। इसको आरसी गुंजा और अश्विनी भटनागर ने लिखा है। बात क्लियर है ना भैया। इधर एक और नई बुक की तरफ बढ़ते हैं, एक और नई बुक की तरफ बढ़ते हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो इधर आप देखेंगे दलाई लामा साहब हैं और दूसरी तरफ कौन है? डेसमंड टूटू है। दलाई लामा साहब के बारे में सभी जानते हैं, है ना, बौद्ध धर्म गुरु हैं। कहां पर रहते हैं? हिमाचल में रहते हैं, है ना, शरणार्थी ग्रुप में। और डेसमंड टूटू साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये दक्षिण अफ्रीका के कौन है? एक तो समाज सुधारक हैं ये, दूसरे क्या हैं? एक राजनेता हैं, समाज से संबंधित जो सुधार है उन पर काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं। और इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या लिखा है? द बुक ऑफ जॉय लिखा है। एक बात और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि डेसमंड टूटू को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, अगर आपने पिछला लेक्चर पुरस्कार और सम्मान से न देखा हो तो आप वहां पर जाके क्या करेंगे, पुनः प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे सर्च करके, और वहां मैंने विस्तार से बताया कि गांधी शांति पुरस्कार क्या होता है। क्योंकि आपको अगर महात्मा गांधी जी के बारे में पता हो तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वहां 21 वर्ष रुके थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पर उन्होंने रंगभेद की नीतियों के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। गांधी जी ने वहां पर अनेक प्रकार के सत्याग्रह किए, और इसी के साथ गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मुझको मोहन से महात्मा जो बनाया वो दक्षिण अफ्रीका की सरजमीं ने बनाया। आपको ये बात मैं बता दूं कि वहां पर गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला था। वहां गांधी जी ने बहुत ऐसे काम किए जो वाकई गांधी जी आज गांधी जी के नाम से पूजे जाते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इनको क्या दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो क्या है, दो देशों के बीच में जो शांति के लिए काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनके लिए ये दिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। उसके बाद बात करते हैं अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी है, पूछा जा सकता है कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी है, तो रस्किन बॉन्ड साहब है। इन्हें आप देखोगे ये रस्किन बॉन्ड साहब है, और इनकी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के अलावा, है ना, लिस्टन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर भी रस्किन बॉन्ड साहब की, दोनों पुस्तकें किसकी हैं, रस्किन बॉन्ड साहब की हैं, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और आप इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो साहब हैं ये राहुल बजाज साहब हैं, और राहुल बजाज एट एस्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, तो इनके बारे में, ये बजाज साहब कौन है, जो टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल आती है ना, तो उसी के ये चेयरपर्सन हैं, उसी के फाउंडर हैं ये, है ना। अब तो इनका देहांत हो चुका है, तो इन्हीं के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में गीता पिरामल ने एक पुस्तक लिखी है, राहुल बजाज एट एस्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। बात क्लियर है, पूछा जा सकता है, आप इसे क्या करेंगे, इस पर नजर रखेंगे, इन पर नहीं, सॉरी, इनकी बुक पर नजर रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण पुस्तक की, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को आप कैसे देखते हैं, विश्व में इन दोनों देशों को आप कैसे देखते हैं, तो और इसके बारे में जो पुस्तक लिखी है वो श्यामा शरण साहब ने लिखी है। और इंडिया आप देख रहे हैं कि एक उभरता हुआ देश है, नो डाउट। चाइना क्या है, चाइना अमेरिका को बीट करना चाह रहा है, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में अपना हस्तक्षेप करना चाह रहा है, चुनौती दे रहा है अमेरिका को, विश्व का सबसे यानी हाईएस्ट पावर बनना चाह, सुपर पावर बनना चाह रहा है। तो इसके बारे में इन्होंने, श्यामा शरण साहब ने इस बुक को लिखा है, इसमें मेंशन किया है कि चाइना और भारत की स्थिति, है ना, कैसे विश्व में देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये है मोहतरमा गीता पिरामिल साहब, और गीता पिरामिल ने टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि, रेत की समाधि इन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत फेमस इनकी पुस्तक है, और ये हमेशा सुर्खियों में रही है, और ये पुस्तक आपको पढ़ना
चाहिए अगर टाइम हो तो। उसके बाद हम और एक महत्वपूर्ण पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, वो पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस के बारे में अगर यहाँ पर आपसे बात की जाए तो ये जो मैडम है वो मैडम किरण वेदी मोहतरमा है, और इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि भारत की पहली महिला आईपीएस है, और ये वर्तमान में कहां, वर्तमान में ये पौंडिचेरी की उप राज्यपाल है। इतना क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम से आप समझ गए भारतीय क्रिकेट के जो टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, जिनके कप्तानी में हमने क्या किया था 2011 में विश्व कप जीता था, है ना। तो इनके जो संबंधित पुस्तक है, इनसे संबंधित, वो जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखा है। पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़, झारखंड और ये मध्य प्रदेश पास ही पास है सब, पूछा जा सकता है, चाहे राज्य के हिसाब से हो चाहे इंडिया लेवल के हिसाब से हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और पूछा जा सकता है, याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं और एक बुक की, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये जो व्यक्ति है ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहब का नाम बिल गेट्स है, और बिल गेट्स किसके फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, और इन्होंने इस लॉकडाउन का जो पेंडेमिक था इस में लिखा था, और इन्होंने कहा था नेक्स्ट पेंडेमिक के बारे में कि भाई कैसे हमें बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके संबंध में ये पुस्तक थी। आपको क्या कहना है, पढ़ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, है ना। इधर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। जैसे यहाँ पर अब इस बुक का नाम समझ लो, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर, है ना, हु इन्फ्लुएंस इंडिया पॉलिटिक्स, है ना। तो किसने लिखी है ये, राशिद किदवई ने लिखी है। किसने लिखी है पुस्तक, राशिद किदवई। इसमें आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, है ना, और इधर मैडम इंदिरा जी हैं, इधर आप ये दिल्ली की जो सीएम थी वो है, और इधर बाला ठाकरे साहब हैं, और इधर भी एक साहब है, है ना। तो महत्वपूर्ण शख्सियत है 50, तो उनमें ये राशिद किदवई साहब ने इनके बारे में लिखा है, इनके नेतृत्व के बारे में लिखा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पुस्तक देखिए, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। मतलब नेहरू से लेके मोदी तक के बारे में, जो इकोनॉमी के बारे में जो चर्चा की गई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुलाले वाला कृष्णन ने लिखा है। आपको याद होनी चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए कि नेहरू से लेके मोदी जी तक की जो इकोनॉमी के बारे में जो क्या चेंजिंग आए हैं, कैसे क्या परिवर्तन आए, कैसे भारत ने ग्रोथ की है, इसके बारे में जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, पुलाले वाला कृष्णन ने लिखी है। इधर आप इसका आउट फिगर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद और एक महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिस्ट। किसने लिखा है, नाम सुन लो भैया, चंद्रचूर घोष ने लिखा है। अब बॉस के बारे में जब भी बात आ जाती है तो नेताजी का नाम आ जाता है, नेताजी का नाम तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, और ये वही नेताजी हैं जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, देश की आजादी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनकी जब मृत्यु की बात की जाती है, इनकी जब मृत्यु की बात की जाती है तो एक दुर्घटना में इनकी, हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हीं से ये संबंधित पुस्तक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बात समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ पुस्तकों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंडियाज असेसन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे इंडिया हिज आइडिया ऑफ इंडिया, है ना। तो नाथूराम गॉडसे यानी जो गांधी जी की हत्या से संबंधित, जो नाथूराम गॉडसे को हत्यारे के एसेंस में, हत्यारे के रूप में जो देखा जाता है, तो कैसे बात की जाती है कि वो कौन से कारण है, क्या बात थी, क्यों मारा, तो इनसे संबंधित नाथूराम गॉडसे 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, तो उसी से संबंधित, उनकी मृत्यु से, उनकी हत्या से संबंधित क्या है ये पुस्तक है। तो गॉडसे से जुड़ी हुई है, गॉडसे और गांधी जी से जुड़ी हुई है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं। ये कौन साहब हैं, ये नवीन पटनायक साहब हैं, और नवीन पटनायक साहब ने लॉकडाउन क्राइसिस पुस्तक का विमोचन किया। इस लॉकडाउन क्राइसिस पुस्तक को लिखा किसने, संयुक्ता दास ने लिखा है। तो जो
नवीन पटनायक साहब हैं वो कहां से संबंधित हैं, तो उड़ीसा के जो कौन है साहब, उड़ीसा के साहब सीएम है, उड़ीसा के साहब सीएम है। उड़ीसा कहाँ है आप ये देख पा रहे हैं, इधर छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, इधर झारखंड से टच कर रहा है, इधर वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है, इधर आंध्रा से टच कर रहा है। तो आप यहाँ पर इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, मेरे को जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पर मैं पूछूंगा क्या कमेंट्स में, तो बताना आपको ये है कि उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, है ना। और यहाँ पर एक झील है, लैगून झील है, नमकीन झील है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात क्लियर है भैया? चलो ये आप समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इधर आप देखेंगे जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडिया इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट और री इंगेज। बात समझ रहे हैं ना, इधर देखो जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडिया इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट और री इंगेज, किसकी पुस्तक है? संजय वारू। आपको पता होना चाहिए कि जो आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसी से संबंधित ये पुस्तकें लिखी जा रही हैं, और जो 75 साल आजादी के हुए हैं उसमें बात किसकी की जा रही है, अर्थव्यवस्था की जा रही है, री इमर्ज और री इन्वेस्ट री एंगेज की बात की जा रही है। बात समझ रहे हैं ना किसने लिखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स किसने लिखा है, सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम्स क्या, 10 ट्रिलियन अभी आप कुछ साल से सुन रहे होंगे, 2 साल से सुन रहे होंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन करने की प्लान चल रहा है, 2030 तक के 5 ट्रिलियन हम अपनी अर्थव्यवस्था करने का प्लान है। लेकिन ये सुभाष गर्ग साहब जो पूर्व वित्त सचिव हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी कि वो कौन से कारण हैं जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन कर सकते हैं, अमेरिकी $10 ट्रिलियन कर सकते हैं। तो ये किसने लिखा है, सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। बात क्लियर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि ये नाम आपको जाना पहचाना हो या ना हो, लेकिन ये नाम ऐसा है जो किसी के यानी परिचय का मोहताज नहीं है। यह वह व्यक्ति है जिसकी एकेडमी से लोग ट्रेंड होकर क्या की है, गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो ये कौन है, सटलर क्लिफ, इनकी जो पुस्तक है सटलर क्लिफ ऑटोबायोग्राफी, यानी सटलर क्लिफ के नाम से एक इनकी आत्मकथा है। और ये है कौन, ये गोपी चंद पुलेला, यहाँ आप नाम भी समझ रहे होंगे। और इन्हीं की जो अकेडमी है उससे चाहे साइना नेहवाल हो और चाहे पीवी सिंधु हो, है ना, दोनों ये लोग क्या किए हैं, इन्हीं की एकेडमी से क्या हुए हैं, ट्रेंड हुए हैं। और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी क्या, सटलर फ्लिक पुलेला गोपीचंद की, पूछा जा सकता है। स्पोर्ट में एमपी काफी काम कर रहा है और भी राज्य काम कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए एंड एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर साहब की लिखी गई है। शशि थरूर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, किताबें लिखने के शौकीन है, है ना। और इन्होंने जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया था और उसी के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है कि जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो उसमें कैसे वह जो युग था वो अंधेरे का, है ना, डार्कनेस का, कैसे युग था, कैसे वो 200 सालों तक अंधेरा रहा भारत में, कैसे उसका विकास रुका, यहाँ की जनसंख्या क्या हुई, बेचारी भुखमरी की शिकार, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें आप देखेंगे, है ना। उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन साहब ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसे चेंजिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब, है ना, असम से राज्यसभा के 3 बार सदस्य रहे। इसके बाद आप जानते हो कि 2004 से लेकर 2014 तक क्या प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं और इसी के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं। और जब 1991 का दौर, जब भारत क्राइसिस से गुजर रहा था, जब भारत ने उदारीकरण लागू किया था, तब उसमें यानी आदरणीय प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। चलिए तो इनकी पुस्तक कौन सी है, चेंजिंग इंडिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला यानी दक्षिण अफ्रीका का, जिन्हें गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें गांधी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनकी बायोग्राफी क्या है, अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, बात समझे ना, नेल्सन मंडेला साहब। जब नेल्सन मंडेला साहब जेल से रिहा हुए थे तब उनसे पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हो आपकी पहली विश क्या जेल से आजाद होने के बाद, तो इन्होंने कहा कि मैं उस सरजमी को चूमना चाहूंगा जहां पर गांधी जैसे सपूत पैदा हुए थे, क्योंकि गांधी ना होते तो शायद हो सकता है कि हम कभी संघर्ष
न कर पाते, बात समझे ना। चलिए थोड़ा सा और, अभी जो वर्तमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है दामोदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब है, इन्होंने भी बच्चों के जो डर होता है एग्जामोफोबिया जो होता है उसके लिए भी एक उस डर को दूर करने के लिए पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, वो एग्जाम वॉरियर है। इधर आप देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए क्या आप योद्धा है और आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट एक महत्वपूर्ण कैसी पुस्तक है और किसने लिखी, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और ये चेहरा वही चेहरा है जब 2016 में कानपुर पर ये ऑटो रिक्शा में गए थे बैठकर आरबीआई का ऑफिस के सामने वहां पर ये, तो ये कौन है, ये उर्जित पटेल साहब है जो अभी क्या कर दिए, अभी तो शक्तिकांत दास साहब हैं आरबीआई के गवर्नर। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो कौन आए, शक्तिकांत दास साहब आए। और ये किन की जगह आए थे, रघुराम राजन साहब की जगह आए थे। और ये वही दौर है 2016 वाला जब ये आरबीआई के गवर्नर बने थे और उसी टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। तो ये सब कहानी बताने का मतलब ये है कि आप उर्जित पटेल साहब को आप जान पाए। तो और मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं आपको कि उर्जित पटेल साहब ने एक पुस्तक लिखी है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है और जिसका नाम ओवरड्राफ्ट है। बात क्लियर भैया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं। यहां पर होम इन द वर्ल्ड है ना, होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, घर की जो क्रियाकलाप है कैसे घर को चलाया जाए। और यह पुस्तक किसने लिखी है, भारत के अर्थशास्त्री नोबल विजेता है ना, नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अमर्त्य सेन साहब ने लिखी है। किसने लिखी है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं। कितना स्टार दे सकते हैं आप इसे 5 स्टार दे सकते हैं। अमर्त्य सेन साहब ने होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस है ना, ये वो एक्टर है जिसने फिल्मी दुनिया में मतलब भारत के सिनेमा को क्या किया, स्वर्णिम मतलब पीक पर पहुंचाया लगभग अपने 40-50 साल के योगदान से। योर बेस्ट डे इज टूडे, ये पुस्तक किसकी है, अनुपम खेर साहब की है। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आपका सबसे बेस्ट दिन कौन सा है, आज का है, अनुपम खेर साहब का है, याद करेंगे आप। और अभी ये कुछ दिन पहले सुर्खियों में थे, कैसे, जो आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी उसमें महत्वपूर्ण रोल किसका था, अनुपम खेर साहब का था। उसमें कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में दिखाया गया है। बात क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नो स्पिन पुस्तक किसकी है भैया, शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न कौन है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है और इनकी क्या हुई है, अभी हाल ही में कुछ साल पहले मृत्यु होगी 2021 के समथिंग। और इनकी पुस्तक कौन सी है, नो स्पिन है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया आप इधर देख सकते हो, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को यह क्या करता है, टच करता है। नाम चेहरा देख के आप पहचान गए होंगे है ना, एक साहसी बहादुर लड़की। वी आर डिस्प्लेस किसकी पुस्तक है, मलाला यूसुफ जई की। वी आर डिस्प्लेस है ना, मलाला यूसुफ जई हैं ये और पाकिस्तान की हैं ये। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ, भारत के एक व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से, सॉरी बचपन बचाओ जो इनका एनजीओ था, इससे क्या करते थे, जो अनाथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्लम में हैं, बेरो यानी क्या कर रहे हैं वो किसी ढाबे पे किसी भट्टे पर क्या है ना, शोषण उनका हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने काम किया था। तो उनको और मलाला यूसुफ जई ने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो घाटी है वहां पर इन्होंने उनकी शिक्षा की बात की थी। और उस टाइम इनको आतंकियों ने गोली मार दी थी और इसी उसी समय इनकी बहादुरी को देखते हुए ने क्या, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वी आर डिस्प्लेस किसकी पुस्तक है, मलाला यूसुफ जई की। ये संपूर्ण विश्व की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मानसून बुक का साहित्य अकादमी के द्वारा विमोचन किया गया है। जब आपसे पूछा जाए कि मानसून बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी और मानसून बुक के लेखक कौन है, अभय के हैं, ये आप देखेंगे। जब आपसे बात की जाएगी
कि भाई मानसून के बारे में बात कैसे की जाएगी, तो ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर लाल सागर, इधर ये फारस की खाड़ी से होते हुए भारत की तरफ बात की जाएगी। तो इसमें इस पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया है कि भैया जो मेडागास्कर से कैसे मानसून भारत की तरफ चलता है, वो मानसून की वो कौन सी क्रियाएं हैं जिससे मानसून आगे की तरफ सक्रिय होता है, आगे की तरफ सक्रिय होता है, बात समझे ना। तो इसमें उसी मानसून के बारे में बात की है, इसके लेखक अभय के हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, द प्रोमिस लैंड किसने लिखी है, बराक ओबामा लिखी है। बराक ओबामा किसी चेहरे के, किसी परिचय के सॉरी मोहताज नहीं है। बराक ओबामा साहब कौन है, तो बराक ओबामा साहब यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के, उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है उसके कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति रहे, दो बार ये राष्ट्रपति रहे है ना, और कई दो तीन बार भारत भी आए अपने राष्ट्रपति के शासनकाल में, पहले भी आए। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द प्रोमिस लैंड के नाम से है, आप इधर देख पाएंगे, और ये इनकी वाइफ है मिशेल ओबामा, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी किसने, मिशेल ओबामा ने लिखी है, पत्नी है साहब की, बात क्लियर है। दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आ गई यार, गजब गजब की पुस्तकें हैं है ना। चलिए द रेस ऑफ माई लाइफ, देख पा रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं हमने, मिल्खा सिंह है ये, तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है भैया, मिल्खा सिंह की, भाग मिल्खा भाग, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें इनके संघर्ष को दिखाया है, लोग जीतने के लिए भाग रहे थे, साहब हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए भाग रहे थे है ना। तो आप इनको फ्लाइंग सिख के भी नाम से जानते हैं, और फ्लाइंग जो सिख नाम है बड़ा इंटरेस्टेड पड़ा है, जब 1960 में, जब 1960 में ये पाकिस्तान में रेस कर रहे थे, तो वहां के जो जनरल साहब थे, जो जनरल साहब थे, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख के नाम से संबोधित किया था, बात क्लियर है। तो और मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि भैया जो रेस ऑफ माय लाइफ किसकी पुस्तक है, मिल्खा सिंह साहब की। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, देखो भैया ये मैडम है अंग्रेजी की लेखिका है, इन्हें अरुंधति रॉय के नाम से जानते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं ये है ना, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब साहित्यकार है ये। चलिए तो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आजादी है ना, द डॉक्टर एंड द संत, द अंबेडकर गांधी डिबेट, जो इनकी जो पुस्तक है द डॉक्टर एंड द संत, द अंबेडकर गांधी डिबेट, दो पुस्तकें हैं, दोनों महत्वपूर्ण है, मोहतरमा अरुंधति राय की है, आपको याद होनी चाहिए, और यहां से आपका क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इस बात को आप बार बार याद रख लो मेरी बात को। और आगे पुस्तक बढ़ते हैं, अब यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह पुस्तक कौन सी है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, किसके द्वारा लिखी गई है, जो पूर्व सीएजी विनोद राय है, पूर्व सीएजी कौन है भैया, विनोद राय है। अब विनोद राय साहब ने इस पुस्तक को लिखा है, अब विनोद राय साहब के बारे में क्या बताएंगे आप, पहली बात तो आप समझ गए कि भाई सीएजी के कौन है, पूर्व सीएजी के चीफ है ये, तो आपको बताना ये है कि भाई सीएजी किस अनुच्छेद में है, आप यहाँ पर क्या बताएंगे भैया, आप यहाँ पर अनुच्छेद बताएंगे सीएजी, सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, और ये क्या, ये पुस्तक कब लिखी, जब ये बीसीसीआई के क्या थे, बीसीसीआई के पद पर इन्होंने काम किया था, तो उस टाइम इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, बात क्लियर है भैया। चलिए भैया तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, आई होप आप इस क्लास का मजा लिए होंगे, एंजॉय के साथ पढ़े होंगे, और एक बात याद रखेंगे कि यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए इन पुस्तकों से, ये बहुत मेहनत के बाद इस वीडियो को हमने तैयार किया आपके लिए, तो आप इसे क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को इसको क्या मिले, लाभ मिले। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिएगा है ना, थैंक यू सो मच।